नागौर जिले की मेड़ता सिटी कृषि उपज मंडी में जींसों की खरीद अब शुरू हो गई है। इस दौरान कोरोना महामारी के चलते ऑड इवन फॉर्मूला अपनाया गया। इसके चलते बुधवार को 27 दुकानें खुली, जहां मंडी सचिव राजेंद्र कुमार रियाड ने इस पर बताया कि किसानों का रजिस्ट्रेशन फिलहाल करवाया जा रहा है। इसके चलते मोबाइल पर सूचना देकर 54 किसानों को इसकी अनुमति दी गई। इस दौरान किसानों को सैनिटाइज चैम्बर से ही मंडी में प्रवेश दिया गया। आपको बता दें कि 20 अप्रैल को दूसरे चरण का रजिस्ट्रेशन किया जाने वाला है। मंडी प्रांगण में आज से खुली नीलामी का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। सभी से निवेदन किया गया है, चाहे वो व्यापारी भाई है, किसान भाई है, मजदूर है और उन्हीं में उनसे निवेदन किया गया है कि अपने मुंह पे मास्क, रुमाल या गमछा लगाए, ताकि आपकी थूकने की आदत भी मिट जाएगी, क्योंकि मंडी परिसर में कहीं थूकना भी नहीं है। इसके पश्चात जब भी ऑप्शन हो या सहज रूप में आप कहीं भी बैठे हो तो सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात दूर दूर बैठना है, आपको नज़दीक में नहीं बैठना है, नज़दीक में खड़े नहीं होना है। अगर ये व्यवस्थाएं सारी आप बनाए रखेंगे, सैनिटाइज में होके आए, बिना पास के नहीं आए, एक दिन दुकान खुलेगी, इवन दूसरे दिन खुलेगी, ये एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। और दुकान आधी दुकानें खोलेंगे, आधी दूसरे दिन खोलेंगे। और फिक्स हमने पूर्व में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, कम से कम हमने 5,000 किसानों को, और उनको फर्स्ट कम फर्स्ट जो पहले है वो पहले आएगा। और किसानों से खासकर मेरा एक निवेदन है कि वो खाना और पीना और घर से लेके आए, वो आपका मास्क लगा के आए मंडी में, और व्यापारियों और हमारे से जो भी लेबर होगी हमारे, उनसे भी एक आग्रह है कि वो मास्क लगा के मंडी में प्रवेश होगा।